अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो भी वेलकम है आपका एक अच्छे से न्यू व्लॉग में। तो भी आज हम गए थे मोती बाज़ार, ठीक है, ये जो रावलपिंडी में राजा बाज़ार के साथ लोकेटेड है और रावलपिंडी में है। तो सबसे पहले हम मोती बाज़ार एंटर हुए तो हमें एक शॉप नज़र आई, तो हमने यहीं से ब्राइड की ज्वेलरी भी ली थी। तो उस वक्त तो मैं आपको कार्ड नहीं दिखा सकी, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको हर जिस जिस शॉप से हमने चीज़ें ली होंगी वहाँ के कार्ड भी शेयर कर दूँगी। तो भाई ये दो रिंग्स मैं ट्राई कर रही थी और आपने गेस करना है कि मैंने कौन सी ली होगी। इन दोनों में से मैंने एक परचेज़ कर ली थी और अब आपने बताना है कि मैंने कौन सी ली है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में तो आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से हर चीज़ शेयर करनी है तो इस वजह से आपको पता चल जाएगा। तो आज के व्लॉग में कमेंट सेक्शन में आपने गेस करना है कि मैंने कौन सी रिंग ली है। तो जी यहाँ पे मेरी अम्मी भी रिंग्स देख रही थी अपने लिए, तो उनको भी काफ़ी रिंग्स अच्छी लग रही थी और यहाँ पे रिंग्स की ह्यूज वैरायटी मौजूद थी, ठीक है। आप लोगों को कम से कम पैसों में भी मिलती हैं और जो होता है ना 1 कैरेट गोल्ड जिसे कहते हैं वो भी यहाँ पे मिलती हैं। अक्सर होती हैं जो बहुत लोकल होती हैं ना, जो जल्दी से ख़राब हो जाती हैं। आप लोग पानी में काम वगैरह करो या बर्तन वगैरह धो तो उनका रंग फेड हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनका कलर फेड नहीं होता जल्दी से ना, तो उसकी प्राइस होती है तकरीबन 1000-1200। लेकिन आपको आप बार्गेनिंग में अच्छे हो तो आप लोग फिर अच्छी से अच्छी शॉपिंग कर सकते हो कहीं से भी। तो यहाँ पे ज्वेलरी भी थी मेहंदी के लिए। सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आप लोग यहाँ से कोई भी सेट पसंद करते हो, कुछ भी पसंद करते हो, झूमर पसंद करते हो, ज्वेलरी में कुछ भी पसंद करते हो, तो कस्टमाइज़ करवा सकते हो। जिस कलर का ड्रेस है वो आप इनको दोगे, ये आप लोगों को मोती चेंज कर देंगे। अगर आप लोग मोती चेंज करवाते हो तो कम से कम भी 1-2 दिन का टाइम आप लोगों को देना पड़ता है इनको, और अगर आप लोग मोती चेंज नहीं करवाते हो तो फिर ये है कि फिर आप लोगों को ये उसी वक्त घंटे के अंदर, घंटे तो बंदे ने फिरना ही होता है अंदर शॉप्स वगैरह में, तो उसमें उसी दौरान ये आप लोगों को ठीक कर देते हैं। तो बस अभी मैंने रिंग ले ली थी, तो अब इसी शॉप में ना ये देखिए बच्चों की इतनी प्यारी प्यारी बच्चियों की चीज़ें थी, कैचर वगैरह थे इसमें, हर चीज़ यहाँ पे इनके अवेलेबल थी। इतने प्यारे प्यारे बो बने हुए थे, इतने प्यारे कैचर थे, इसके अलावा बच्चों की पोनियाँ थी, बच्चियों की बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, बहुत क्यूट क्यूट बच्चियों की चीज़ें थी। तो ये देखें बहुत प्यारी प्यारी बोज बनी हुई थी और हर कलर में वे अवेलेबल होती हैं। जिस कलर का भी आप लोगों के बच्चों का बच्चियों का ड्रेस है, ठीक है, उस कलर की आप लोगों को यहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी। फिर ये बड़ों के लिए भी पोनियाँ, आजकल पता है आप लोगों को इनका फैशन चला हुआ है तो ये बहुत अच्छी लगती हैं। फिर एक ये डिफरेंट सी मुझे रिंग नज़र आई तो मैंने कहा ये भी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर ली। देखिए कितना प्यारा पूरा मोर बना हुआ है, बहुत खूबसूरत थी ये। फिर है ये जी ये शॉप का कार्ड, ये यहाँ से ही हमने ब्राइड की ज्वेलरी भी ली थी और यहीं से हमने अपनी भी ली है। तो इंशाल्लाह अब आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग्स में पता चल जाएगा जब मैं आपको ड्रेसेस दिखाऊंगी, तो साथ में आपको ज्वेलरी भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या पेयर किया है। फिर जब कुछ शॉप्स बनी हुई हैं, ठीक है, और कुछ शॉप्स के बाहर स्टॉल्स भी लगे होते हैं, तो हम अब स्टॉल्स पे भी आ गए थे और ये देखें एक डिफरेंट सा के डिफरेंट से थे ये इयररिंग्स। तो मैंने कहा ये भी आप लोगों से शेयर कर दूँ, ज़्यादा ये सारा कुछ मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि मैं तो खुद वहाँ मौजूद होती हूँ, मुझे तो सब नज़र आ रहा होता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके और घर बैठे आप लोग सारी विंडो शॉपिंग कर लो आसानी से। और अगर आप लोगों को इसमें से कुछ चाहिए हो या कुछ लेना हो तो आप लोग बआसानी, जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं। और कई लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता होगा इस बाज़ार का, इसी से आगे पुराना किला आता है जहाँ से या लाल किला शायद उसे कहते हैं, तो इन दोनों में से कहते हैं, वहाँ पे ब्राइडल जैसे ड्रेसेस तैयार होते हैं। जो हमारी ब्राइड है, जो मेरी भाभी बनने वाली है, उनका ड्रेस बन चुकी है, खैर निकाह हो चुका है, तो सारे ड्रेसेस हमने वहीं से बनाए थे। तो इंशाल्लाह एक एक चीज़ आप लोगों से शेयर होगी, बस आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने, और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना है, तो आप ताकि आप लोगों से कोई भी चीज़ मिस ना हो, कोई भी व्लॉग मिस ना हो, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले व्लॉग इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होने लगे हैं, क्योंकि इसी मंथ में मेरे भाई की शादी है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे, ठीक हो गया। तो भैया हम आ गए थे यहाँ पर मोती बाज़ार में, जूतों के भी बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स बनी हुई हैं, ठीक है, तो रीज़नेबल प्राइस में आप लोगों को मिल जाती है। और न्यू वैरायटी आई हुई थी, बहुत प्यारे प्यारे जूते आए हुए थे, जूते कपड़े हर चीज़ A1 आई हुई थी। इससे पहले मैंने जूते कवर नहीं किए थे क्योंकि हम लोग सिर्फ ब्राइड के लिए आए थे, तो इस बार हमने जूते भी लेने थे, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से ये भी शेयर कर दिया जाए।
गर्ल्स बॉयज़ दोनों बच्चों के जूते थे और बहुत प्यारे थे। अक्सर पहले क्या होता था, एक कलर मिलता था, भाई लड़कों में हो गया ज़्यादातर ब्लू और लड़कियों में हो गया पिंक। अब बहुत प्यारी वैरायटी आई हुई थी, ब्लू, पिंक, रेड, मैरून, मतलब एक डिफरेंट कलर आए हुए थे, पर्पल वगैरह में भी, तो बहुत प्यारे प्यारे थे। ये जूते भी थे यहाँ पे लगे हुए, घर पहनने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। गर्मियाँ आ रही हैं तो बच्चों के सैंडल्स भी आए हुए थे, सैंडल्स भी आए हुए थे और बूट भी आए हुए थे, जॉगर्स वगैरह भी थे। तो मैं तो प्रेफर करती हूँ जॉगर्स होने चाहिए, गर्मियों में भी जॉगर्स ज़्यादातर अब मैं तो यूज़ करती हूँ, लेकिन यह है कि जब बहुत गर्मी हो जाती है तो फिर बच्चों को पाँव में पसीना आता है, फिर उसके लिए जॉगर्स अच्छे नहीं रहते। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं अपने बड़े बेटे को साथ लेकर नहीं गई हुई थी तो इस वजह से फिर मैंने ये नहीं लिया, लेकिन इंशाल्लाह ये मैंने लेना है। ये मुझे अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा लग रहा था, इसमें वाइट कलर भी था लेकिन मुझे ब्लू बहुत अच्छा था, क्योंकि ग्रे मेरे पास पहले भी है बच्चों के पास, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि ब्लू ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोनों बच्चों के लिए मैंने लेना था, लेकिन छोटे बच्चे का साइज़ नहीं था अवेलेबल, और जो बड़ा है वो मैं उसको लेकर नहीं गई हुई थी, वरना उसको साइज़ ये आ जाता। लेकिन ऐसे में तुक्के से साइज़ नहीं लेके जा सकती, क्योंकि फिर ना बहुत इशू होता है, फिर बूटों का तो बहुत इशू होता है। फिर ये मैं आपको पिंक में दिखा रही थी कि देखिए कितना प्यारा है, और देखिए ये सारी वैरायटी जो होती है ना, ये ही उन्होंने ना बाटा वगैरह में लगाई हुई है, इन दियोर वगैरह में, और प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि ना हमें लोकल मार्केट्स विज़िट करनी चाहिए और वहीं से लेनी चाहिए। और देखें अगर हम लोग लेते हैं ना बाटा वगैरह की, तो हम लोगों को यही होता है कि ये महंगी चीज़ है तो वो हम एक पेयर ही ले सकते हैं, ठीक है, तो बंदा उस एक पेयर से उकता जाता है, चाहे आप बच्चों को पहनाओ चाहे आप खुद पहनो। तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि आप लोग लोकल मार्केट्स विज़िट करो, वहाँ से आप लोग सस्ते लो, बारगेनिंग होती है, तो आप लोग दो तीन पेयर ले सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, तो फिर आप डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस के साथ भी पहना सकते हो। तो फिर मैं तो इसी तरह करती हूँ अब, क्योंकि मैं अब बिल्कुल भी ब्रांड्स को ना, मतलब ठीक है कुछ चीज़ें आप लोग ब्रांड्स की लो वो मैं नहीं कहती, या हर बंदे की अपनी सोच है, लेकिन मैं समझती हूँ लोकल शॉपिंग भी बंदे को करनी चाहिए। तो उसी के सामने ये शॉप थी एक, और यहाँ पे खूसों की ह्यूज वैरायटी लगी हुई थी, हर कलर का खूसा प्लेन में भी था, इसके अलावा कढ़ाई में भी थे, इसके अलावा ये देखे जमावार जो होती है जिसे जैकार्ड बोला जाता है उसमें भी थे, हर कलर में अवेलेबल थे। तो ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ही ह्यूज वैरायटी थी, लेकिन मैं खूसे पहनती नहीं हूँ, मुझे हील्स बहुत अच्छी लगती हैं तो मैं हील्स ही लेती हूँ। तो ये सब तो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि यहाँ पर कितनी वैरायटी लगी हुई है, इतनी ज़्यादा वैरायटी जो है ना और सदर वगैरह में मैंने नहीं देखी है, ना ही ब्रांड्स में इतनी वैरायटी होती है। और इसी के साथ ये एक और बच्चों का स्टॉल लगा हुआ था, तो इस पर भी बहुत प्यारे प्यारे बूटीज थी, देखिए जॉगर्स कितने प्यारे हैं और कितने कलरफुल हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, सिर्फ एक ब्लू और रेड और ये बस, इससे तो बंदा उकता जाता है, मैं खुद ना बस ये कलर्स अब मुझे अच्छे नहीं लगते, डिसेंट और डिफरेंट कलर्स होने चाहिए, मतलब अच्छे लगते हैं फिर पहने। तो जी अब देखिए मैं आपको बूटीज़ दिखा रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, देखें यहाँ पे अवेलेबल थे। उसके बाद भाई मेरा ये इरादा था कि जो स्टिकर बिंदी होती है ना वो मुझे कलरफुल मिल जाए, जो असल में कह सकते हैं आप जो इंडियन बिंदी होती है, ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं मिली, ये थी सारे एक जैसे ही थे भाई, फिर एक जैसे क्या करने थे। लेकिन मैं ढूंढ रही हूँ, अगर आप लोगों में से किसी को भी पता हो ना कि ये, तो जी आप लोगों में से किसी को भी पता हो ना कि ये स्टिकर बिंदी जो होती है जो इंडियन होती है, और ये जो इंडियन चूड़ा होता है आप लोगों को पता होगा, तो कहीं से मिलता हो तो मुझे लाजमी बताइएगा फिर। तो भाई फिर हम आ गए थे चूड़ियों की शॉप्स पे, हमने अब बैंगल्स मैच करनी थी, तो मैंने काफ़ी बैंगल्स अपने, मतलब मैं जितनी भी बैंगल्स ली हैं ना वो सब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से शेयर कर दूँगी। तो ये शॉप भी, इसी शॉप से हमने सारी बैंगल्स ली थी और हमें सारी की सारी मिल गई थी, हर कलर इनके पास अवेलेबल है, हर डिज़ाइन इनके पास अवेलेबल था। आप लोगों को वेलवेट में भी मिल जाएंगी, आप लोगों को कलरफुल भी मिल जाएंगी, मल्टी भी मिलेंगी, और इसके अलावा आप लोगों को एक और इनके पास स्टाइल आया हुआ था कांच में उसमें भी मिलेंगी, इसके अलावा जो होती है ना स्टील में उसमें मिलेंगी आप लोगों को सारी की। और इसमें इनके पास ज्वेलरी की भी ह्यूज वैरायटी थी, यहीं से मैंने अपना झूमर भी लिया है, और तो वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अगली वीडियो में दिखा दूँगी, ठीक है, जब मैं ड्रेसेस वगैरह फाइनल करूँगी। तो मैं आपको अब दिखा रही हूँ कि देखें कितनी प्यारी वैरायटी थी, और लेकिन मुझे ना वेलवेट नहीं पसंद, क्योंकि वेलवेट आप लोग एक ही बार पहन सकते हो, पहनते जाते हो तो इसका रंग उतर जाता है भाई, ऊपर से वेलवेट ही उतर जाती है।
तो इस शॉप का ये एड्रेस है, ये मैं आपको कार्ड भी शो करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। हमने जहाँ जहाँ से शॉपिंग की है उन्हीं के कार्ड्स मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि इनके रेट्स जो थे वो काफ़ी रीज़नेबल थे। बाकी आप लोगों को बार्गेनिंग हर जगह पर करनी पड़ती है, यहाँ पर किसी की भी प्राइस फिक्स नहीं होती है, ठीक है। आप बार्गेनिंग करोगे तो आप लोगों को अच्छी प्राइस में अच्छी चीज़ लेके जा सकते हो, वरना ये लोग भाई 10 रुपये की चीज़ जो होती है ना, इन्होंने 100 बोलना है उसका, ठीक है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग 10 वाली चीज़ जो है ना वो 10 में ही लेके जाओ, 100 में ना लेके जाओ। तो इनके पास माला भी थी, इनके पास सारी वैरायटी ऑलमोस्ट ज्वेलरी की पड़ी हुई थी, लेकिन हमने ख़ास इतनी ज़्यादा ज्वेलरी नहीं लेनी थी, क्योंकि देखिए अगर आप लोगों के हैवी ड्रेसेस होते हैं तो फिर ज़ाहरी बात है ज्वेलरी बहुत हैवी नहीं होती है। बहरहाल मैं आप लोगों को जब मैं ड्रेसेस सारे लूँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने क्या कुछ पेयर किया और मैं किसके साथ क्या करने वाली हूँ, तो फिर आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इन्होंने देखिए झूमर लटकाया हुआ है पंखे के साथ ताकि इन पर कलर किया था इन्होंने, तो जो अगर आप कलर करवाएंगे तो ये उसी वक्त घंटे के अंदर आपको खुश करके दे देते हैं, वरना अगर आप लोग पल्स प्रॉपर चेंज करवाते हैं तो फिर एक दो या तीन दिन का टाइम लाजमी होता है। उसके बाद भी हमें लग गई थी भूख, तो इसी मोती बाज़ार के अंदर ही एक शॉप है, नफीस करके शॉप नाम था इस शॉप का, यहीं से हमने खाना खाया था। तो उसी के साथ पीछे एक और शॉप थी जहाँ पे ये कपड़ा आया हुआ था मूनलाइट, और इसके अलावा जो रेड जो रावी सेंटर में नेट वगैरह थी ना वो भी यहाँ पे सारी अवेलेबल थी, और वहाँ की और यहाँ की प्राइस अगर देखी जाए तो ये बहुत रीज़नेबल थी। ये मैं आप लोगों को ब्लू कलर दिखा रही थी, रॉयल ब्लू कलर इतना ये अट्रैक्ट कर रहा था ना कि अगर आप लोग सिर्फ इसका ब्लाउज़ बनाओ और सिंपल जॉर्जेट की अगर साड़ी बनाओ ना तो बहुत प्यारा लगेगा। खैर ज्यों ज्यों मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग करती जाऊंगी तो आप लोगों से सारा कुछ शेयर करती जाऊंगी, मैंने कपड़ा कहाँ से लिया, कितने का लिया, और मैंने लेसेस कितने की ली, कहाँ से ली, सारा कुछ आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। बस आप लोगों ने मेरे साथ बने रहना है। यहाँ पे ये जो मूनलाइट कपड़ा से कह सकते हैं ये हर कलर में अवेलेबल था और टू टोन में भी अवेलेबल था। ये नेट अभी मैं आपको इसमें ब्लैक कलर दिखाऊंगी नज़दीक से, बाकी उसके सारे कलर्स ये लगे हुए थे, और इसके अलावा ये ऊपर भी एक नेट पड़ी हुई है। ये दोनों डिज़ाइंस बेहद खूबसूरत थे, और ये भाई इतना रीज़नेबल प्राइस ये इनकी दे रहे थे ना कि मतलब मैं सोच रही थी कि हम लोगों ने पहले रावी सेंटर जाके गलती की है कि यहीं पर आना चाहिए था। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दूं कि ये जो शॉप्स हैं, ये जो मोती बाज़ार है, ये राजा बाज़ार के साथ लोकेटेड है रावलपिंडी में, ठीक है। जो लोग रावलपिंडी और इस्लामाबाद के हैं वो बआसानी यहाँ आ सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा। ये हमने ब्लैक कलर की नेट निकलवाई है, अभी मैं आपको इसका डिज़ाइन प्रॉपर शो करवाती हूँ, और इसी के सारे डिज़ाइन कलर्स जो थे वो सामने लगे हुए थे, ठीक है। बहुत प्यारी ये नेट थी, और एक होता है ना कि नेट अकड़ी भी होती है और अजीब सी होती है, मतलब आप लोगों को कंफर्टेबल नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बहुत प्यारी नेट थी, और ये इसका डिज़ाइन था, मैं आप लोगों को ये डिज़ाइन भी इसीलिए शो करवा रही हूँ हाथ रख के, क्योंकि इस तरह फिर बिल्कुल भी समझ नहीं आती है कि क्या डिज़ाइन है। और ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर तो होता ही ऐसा है कि भाई आप लोग जिस मर्ज़ी स्किन टोन पर पहनो ना तो अच्छा लगता है, और इसीलिए मैं आप लोगों को सही गौर से दिखाया कि ऐसे है। फिर हम आ गए थे बाहर, उस शॉप से निकल आए थे जो हमने लेना था ले लिया था। ड्रेसेस मैं आप लोगों को सब के जो फाइनल हुए हैं वो इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि फिर एंड जब दिन होगा उस दिन फिर आप लोगों को मैं प्रॉपर लुक दिखाऊँगी ना कि क्या क्या हमने लिया था और कैसे कैसे डिज़ाइन किया था। फिर ये बाय स्टॉल्स लगे हुए थे, और इनके पास बहुत प्यारे प्यारे कैचर थे, और जो आजकल आया ना जूड़ों पे लगाते हैं इतने प्यारे प्यारे बंच होते हैं ना फ्लावर्स के, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाके, तो वो भी बहुत प्यारे लगते हैं। और प्यारे प्यारे बारीक नेकलेस कुछ लड़कियों को बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी अवेलेबल थे। और फिर हम आ गए थे लेसिस की शॉप पर, और ये जो लेसिस की शॉप है ये कारी बाज़ार में है, और कारी बाज़ार जो है वो भी राजा बाज़ार में लोकेटेड है। मैंने आपको इसकी सारी लोकेशन जो है वो पहले बताई हुई है, तो यहीं पे लेसिस की शॉप है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों को इस शॉप का पूरा टूर दूंगी, पूरा कवर करूंगी इसको। अभी तो हम जल्दी में थे, रात काफ़ी हो चुकी थी, तो बस मैंने जो जो मुझे मैं कैप्चर कर सकी वो मैंने कैप्चर किया यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ लेसिस और बटन्स लेने थे वो मैंने लिए। और ये देखें यहाँ पे आपको सामान मिलता है बल्क में, मतलब कि आप लोगों को 12, 24 इस तरह पैकेट्स बने होते हैं और इसी तरह मिलता है। सिंगल पीस यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, या आप लोगों को सिंगल पीस नहीं देते हैं, ठीक हो गया। और जो लेसिस वगैरह भी होती हैं वो भी बंच के बंच आपको मिलेंगे, आप लोगों को सिंगल पीस नहीं मिलेगा। मतलब आप लोगों को कि मुझे 2 मीटर काट दो, 3 मीटर काट दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये होल सेल शॉप है, रेट इनके फिक्स होते हैं।
और यहाँ पे, और हाँ इसका रेट फिक्स ही होता है, तो आप जो भी उठाओगे उसका रेट फिक्स होगा, लेकिन वो पहले इतना रीज़नेबल होता है कि आप लोगों को कम करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इनके पास टोटल वैरायटी मौजूद थी, लेसेस की, बटन्स की, टसल्स की, ये देखें जो शीशे वाली लेसेस हैं इनकी, और प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल होती हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से जल्द डिज़ाइन बना के शेयर करूँगी कि मैंने यहाँ से क्या लिया था और मैंने फिर किस तरह डिज़ाइन किया। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करें। और बस मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग में, और इंशाल्लाह जल्द ही मैं आप लोगों को इस शॉप का भी प्रॉपर रिव्यू दूँगी। यहाँ पे आपको पाइपिंग्स वगैरह भी मिलती हैं, मतलब ए टू जेड चीज़ें मिलती हैं। इनके तीन ऊपर बने हुए हैं, मतलब तीन मंजिल है ऊपर, तो मैंने सिर्फ नीचे वाली पे थी अभी, तो क्योंकि टाइम कम था। तो इंशाल्लाह मैं मिलूँगी नेक्स्ट आपसे एक अच्छे से व्लॉग में। और ये मैं बच्चों के लेकर आई थी, इसे कहते हैं स्क्विश बॉल कहते हैं आई थिंक, तो ये मैं लेकर आई थी, तो बच्चों को बहुत अच्छी लगी थी ये, बहुत बहुत मज़े की होती है। आप मुझे, आप लोगों को भी पता होगा कितने लोगों ने ली होगी। तो बस अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। फी अमान अल्लाह।